सुप्रभात छात्र छात्राश्च अद्यवर्गस्य विषयः शिष्टाचार है, इसका शब्दार्थ अभ्यास हम आज कराने जा रहे हैं। शिष्टाचारम अच्छा आचरण, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता, अभिवादनशीलस्य बड़ों का नमस्कार करने वाला, वृद्धोपसेविनः बूढ़ों की सेवा करने वाला, अनुशासनम अनुशासन, अतिथिनाम मेहमानों का, निरामया निरोग, भद्राणी कल्याण, दुख भाग दुखी। उच्चारणम शिष्टाचारः, शिष्टाचारः बोलिए अपने मुख से, विद्याहीनः सुभाषिर वाद वचनम अनुशासनम, पठत एवं लिखत, पढ़ो एवं लिखो, दुर्लभतम ब्रूयात परिश्रमेण वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या प्रतिकूलानि। प्रश्न तीन, लिखितम एक पदेन उत्तरम लिखत, जगति कस्य जन्म दुर्लभतमं विद्यते, जगत में किसका जन्म दुर्लभतम है, तो मानव जन्म। कीदृशं सत्यम अपि कदापि न ब्रूयात, कटु सत्य, कटु सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। किम प्रियम असत्यम ब्रूयात, त प्रियम असत्य। कस्य जनस्य समीपे धनं न भवति अविद्या, प्रतिदिनं स्वास्थ्याय किं करणीयं, तो प्रतिदिन स्वास्थ्याय व्यायामं करणीयं या वृद्धोपसेविनः, ये दोनों अवलिक है, आपको जो मन होगा वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रश्न चार, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, शिष्टाचारः केषां कथ्यते, त शिष्टानां आचारः शिष्टाचारः कथ्यते, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलं वर्धन्ते, किं न करणीयम् आलस्य न करणीयम्, आलस्य नहीं करना चाहिए। पेज पलटिए, कस्य मित्राणि न भवन्ति औधनस्य मित्राणि न भवन्ति, रेखांकित पदानि आदृत प्रश्न निर्माणं कुरुत, छात्रः गुरुं प्रणमति, छात्रः कं प्रणमति, परिश्रमे कार्याणि सिद्ध्यन्ति, केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, निर्धनस्य मित्राणि न भवन्ति, कस्य मित्राणि न भवन्ति, स्वाध्यायात् प्रमादः न करणीय, स्वाध्यायात् कः न करणीय, सर्वदा पौष्टिकं भोजनं कुर्यात्, सर्वदा किं भोजनं कुर्यात्। प्रश्न छ, खष्ट संस्कृत भाषायां अनुवादं कुरुत, सदा सच बोलना चाहिए, सर्वदा सत्यं बोध, गुरुओं की आज्ञा पालन करना चाहिए, गुरुजनस्य आज्ञां पालयेम, अतिथि का सम्मान करना चाहिए, अतिथिनां सम्मानः करणीयः, सभी निरोगी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रश्न सात, हिंदी भाषायां अनुवादं कुरुत, स्वाध्यायात् प्रमादः न करणीय, अध्ययनस्य मये खेलना नहीं चाहिए, प्रतिदिनं व्यायामः करणीय, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, मातु पितु गुरु च आज्ञां पालयेम, माता पिता गुरुओं का आज्ञा पालन करना चाहिए, परिश्रमेण कार्याणि कुरुत, परिश्रम से कार्य करो। अब यह है सही और गलत लगाने वाला है। प्रश्न आठ, मानवस्य जन्म दुर्लभतमं विद्यते, सही बात है, सर्वदा सत्यं ब्रूयात् किंतु अप्रियं सत्यपि कदापि न ब्रूयात्, सही बात है, कदापि आलस्यं न त्यजेत्, गलत बात है, हमेशा आलस्य छोड़ना चाहिए, आलसः विद्यां प्राप्तु न शक्नोति, सही बात है, जो आलस करेगा उसे विद्या कहाँ प्राप्त होगा, विद्याहीनस्य जनस्य धनं न भवति, सही बात है, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं होगा, अतिथिनां सम्मानः न करणीय, न करना चाहिए, ये गलत बात है, अतिथि को सम्मान करना चाहिए, निर्धनस्य मित्राणि भवन्ति, नहीं, निर्धन का कोई मित्र नहीं होता है। प्रश्न नौ, इसको संवाद को पूर्ति करके आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा, इसको जिस तरह है अंशुमान आगच्छतु उसी तरह बनाना है। प्रश्न दस, संधि विच्छेदम कुरियत, शिष्टाचार शिष्ट जोर आचार शिष्टाचार कथ्यते, गुरुरपि गुरु जोर अपि,
चापी चौजोर अपि चेती चौजोर इति सत्यम अपि सत्यम जोर अपि कदापि कदाजोर अपि आयुर्विद्या आयुजोर विद्या वार्तालम वार्तालापम वार्ताजोर आलापम वार्तालापम। इस तरह पाठनों का यह अभ्यास संपन्न हो गया। अब आपको हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।